सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज है डे 17 हमारी सीरीज़ का, और डेली की तरह आज भी हम करने वाले हैं हमारा 10% गेन हमारी कैपिटल का, जो कि अराउंड रहेगा $24। सो देखते हैं हम कितनी एक्यूरेसी के साथ चलेंगे और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। बेसिकली इस सीरीज़ में हम 3 सेशन में ही गेन करने वाले हैं, इस जिससे कि हमारी एक्यूरेसी भी पता चलेगी कितनी आ रही है, बिकॉज 3-4 ट्रेड्स में ही अपना टारगेट अगर गेन कर लिया जाए तो बेटर रहता है, उसके बाद देन ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। सो इसलिए मैं 3 से 4 सेशन ही करता हूँ। सो देखते हैं कहाँ हमें ट्रेड मिलती है। ओके, यहाँ पे एक SNR का ब्रेकआउट हो रहा है, सो लेट्स सी। थोड़ा सा कैंडल की साइज देखनी पड़ेगी। ओके, अब ये वापस SNR में ही आ रहा है। ओके, अब ये ब्रेक हुआ है। सो मैं थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन, ओके ओके सो मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। बेसिकली मैं इस कैंडल में डाउन ही जाने वाला था, बिकॉज मेरे को ये प्रिडिक्शन था कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, बट सो मैंने इसलिए थोड़ी सी लेट एंट्री ली, बट यहाँ पे ये आप ही बना रहा है। थोड़ी हमारी एंट्री कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगा ली है हमने, दैट्स वाई फेक ब्रेकआउट, इन द सेंस कि अभी मार्केट में मुझे वो बाइंग दिखी नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे डाउन का प्रिडिक्ट कर रहा था। आई होप कि ये एंट्री हमारी विन हो जाए। और यहाँ पे एक ऊपर SNR भी है जो कि स्ट्रांग है, सो वहाँ से मार्केट रिजेक्ट ले गया। ओके, बेसिकली हमारी प्रिडिक्शन गलत थी, बट हमारी जो एंट्री थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे विन कर लिया। बिकॉज जब भी मार्केट इस SNR को क्रॉस कर रहा था देन एक रिवर्सल दे रहा था, इस बार भी इसने जब ब्रेक किया तो मैं रिवर्सल का सोच के गया था, बट यहाँ पे एक मार्केट ने मूवमेंट अप की दे दी, एंड देन देख लीजिए आप एक रिवर्सल दे रहा है एक। सो ये हमारा MTG होता, बट हमारी एंट्री के कारण हमने सही विन कर लिया इसको। ओके, सो अभी लेट्स सी कहीं और देखते हैं, यहाँ पे भी हमें एक एंट्री मिल सकती है अगर ये रेड बन जाए तो। हाई फ्लक्चुएशन है हल्की सी मार्केट में। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली है, बिकॉज यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अप गया, देन मार्केट अब इस SNR को अच्छा फॉलो कर रहा है और मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे दी। सो यहाँ पे मैंने इसलिए रिट्रेसमेंट देने के बाद अगेन आपके लिए गया हूँ मैं इस कैंडल पे। सो लेट्स देखते हैं, यहाँ पे भी हम अच्छी एंट्री ले सकते थे। ओके, सो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत हाई फ्लक्चुएशंस है, मार्केट कहाँ गया था कहाँ आ गया, वापस से नीचे आ रहा है। होप कि ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए, सो हमारी ये ट्रेड भी ITM हो जाए डायरेक्ट। ओके, सो ये जैसा कि हमारा प्रिडिक्शन था रिट्रेसमेंट के बाद एक ग्रीन कैंडल का, वही हुआ और ये ट्रेड भी हमने डायरेक्ट ITM कर ली है। लेट्स चलते हैं हमारा लास्ट और आखिरी सेशन पे, जो हमारी लास्ट ट्रेड रहेगी। ओके, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड मिल जाए अगर यहीं पे। लेट्स सी कैंडल कैसे क्लोज होती है। अब यहाँ से जो मार्केट बार बार रिजेक्ट हुआ देन ये एक गुड SNR, बहुत स्ट्रॉन्ग SNR हो चुका है। अगर ये कैंडल भी रेड बनती है
देन हम आगे मार्केट में ये एक SNR ले सकते हैं ट्रेड के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक ट्विजर टॉप पैटर्न भी बन गया है, ट्विजर टॉप सिचुएशन आ गई है, बट वो SNR बहुत स्ट्रांग होता है मार्केट में। सो मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले ली है, थोड़ी सी जल्दी ले ली बिकॉज मेरे को लग रहा था मार्केट और नीचे जाएगा तो हमारे को अच्छी सेफ्टी मार्जिन मिल जाएगी, बट मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन दे दिया। लेट्स सी, अगर ये ग्रीन बनती है देन मैं यहाँ पे तो मार्टिकल नहीं लगाने वाला, देन हमारा जो मैं मार्केट का स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट कर रहा था उससे चेंज हो जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे ऊपर भी एक रिवर्सल मिल सकता है। लेट्स सी कैंडल कहाँ क्लोजिंग देती है। मार्केट अभी भी जोन के अंदर ही बंद हो रहा है। ओके, मैं अभी एक कैंडल और वेट करूँगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यहाँ तो मैं एक बहुत अच्छी एंट्री लूँगा। मार्केट ने अगेन रिजेक्शन तो काफ़ी अच्छा दिया वहाँ से। ओके, सो यहाँ पे मार्केट डाउन चला गया है, कोई ना, हम आर्टिकल अच्छा तो ढूंढते हैं यहीं पे। तो जो मेरा भी प्रिडिक्शन था तो वो डाउन का ही था, बट मार्केट थोड़ा सा गैप फिलिंग के लिए चला गया जोन में। लेट्स सी, यहाँ पे अब एक पैटर्न फॉलो हो चुका है, मैं अगली भी डाउन की नहीं ले सकता एवरेज। ओके, मार्केट अभी काफ़ी फ्लक्चुएशन कर रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिल रही है, थोड़ा सा ऊपर है। ओके, सो मैं अच्छी एंट्री लेना चाह रहा था बट यहाँ पे कोई ना, यहाँ पे अभी भी जोन के अंदर ही बंद हुआ है मार्केट, इसलिए मैंने वापस डाउन के लिए गया हूँ। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, बस यहाँ से बाइंग बहुत अच्छी है, यहाँ से मतलब यहाँ पे सेलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ रहा है वो बार बार बायर्स को यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। सो यहाँ पे गैप था, मार्केट ने गैप फिल किया, सो अभी इस कैंडल को रेड में कन्वर्ट होना चाहिए। लेट्स सी, ओके, सो हमारा थर्ड सेशन भी हो चुका है ITM विद प्रॉपर प्राइस एक्शन। जैसा कि बिल्कुल तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी कि मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर प्राइस एक्शन से आज की सीरीज़ कर दी है, आज का डे कंप्लीट कर दिया है। अराउंड हमारा जो टारगेट था वो हो चुका है विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, और एक मार्टिकल के साथ हमने यहाँ पे अपनी सीरीज़ का जो डे 17 है वो कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारा अराउंड टारगेट था 24 समथिंग डॉलर वो पूरा पूरा 24.80 डॉलर्स कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ हम करते हैं यहाँ पे सेशन ओवर, इस सीरीज़ का डे ओवर। सो मिलते हैं हम आपको कल एक नई वीडियो में, नए डे के साथ, नए टारगेट के साथ। ओके, सो अगर आपको भी ऐसे तगड़े तगड़े शॉर्ट शॉट चाहिए या फिर ऐसी सीखनी है कि ट्रेडिंग बिल्कुल तरीके से, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और तगड़े शॉर्ट शॉर्ट्स के लिए आप मेरे VIP चैनल में आ सकते हो डेली, वहाँ से लोग तगड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, सो आप भी कमा सकते हो। ओके गाइस, गुड बाय, हम मिलते हैं कल।